पर सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और विधायक प्रतिनिधि उमा शंकर दुबे ने टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया है। जिला अध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि देश भर में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म लेने वाले सभी बच्चे रोग मुक्त हों और हर बच्चे को समय से टीका लगाया जाए। वहीं मोबाइल से मैसेज के माध्यम से प्रत्येक शिशु के हर टीकाकरण से पहले उन्हें सूचित किया जाएगा, जिससे शत प्रतिशत टीकाकरण हो सकेगा। सितारगंज से जफर अंसारी की रिपोर्ट। कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का ये लक्ष्य है कि देश के अंदर जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो निरोगी हों, उनके जो बीमारियां लगती हैं वो ना हों। इसके लिए टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय स्तर पर तो चल ही रहा है, तो उसमें सरकार ने व्यवस्था करी है कि जिन बच्चों के टीका लगने से रहना है उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ANM के माध्यम से, हमारी आशा जो है इनके माध्यम से, उनको बुला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीके लगे। इसी कड़ी में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक कार्यक्रम था, उसका उद्घाटन करने में और आदरणीय मंत्री जी सौरभ मंगला जी के प्रतिनिधि उमा शंकर दुबे जी ने उसका उद्घाटन किया है। और हम ये कामना करते हैं कि क्षेत्र में और भारत में भी बच्चे पैदा होंगे और निरोगी होंगे और भारत का एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए लोग